आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे CISF द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल और आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और अन्य प्रमुख जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। डेली ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल आपका CISF 2022। यहाँ पे ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन 26/9/2022 से लेकर 25/10/2022 तक होगा। क्लोजिंग डेट यहाँ पे आपको समय दे रखा 25/10/2022 को 5 बजे तक। इसमें देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी जो कि इनवाइट किया गया है मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन को। यहाँ पे आपका दे सकते हैं जो आपकी सैलरी रहेगी, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पे आपका लेवल 5 29,000 से लेकर 92,000 का, ठीक है। यहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल की जो कि मिनिस्ट्रियल रहेगी आपकी लेवल 4 25,000 से लेकर 81,000 पे रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 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 डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम रहेगा और बाकी आप देख सकते हैं द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिडर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस्ड कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम रहेगा। स्किल टेस्ट आपका आपका डाइटिशियन आपका ट्रांजेक्शन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो का एप्लीकेशन मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि मैं बता चुका एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस्ड रहेंगे। आफ्टर आपका कंप्लीटेशन ऑफ PST डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन और रिटन एग्जामिनेशन मोड ऑल इंडिया कैटेगरीज वाइज आपका होगा, मेरिट लिस्ट आपका ड्रॉन होगी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर स्किल टेस्ट प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट, रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपका रहेगा क्वालिफाई मार्क वुड बी 35 UR इकोनॉमिक सेक्टर एक्स सर्विसमैन के 33 SC ST OBC के लिए, ठीक है। इट विल नॉट बी मैंडेटरी टू कॉल क्वालिफाई कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट, आपका डाइटिशियन आपका ट्रांजेक्शन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टाइपिंग टेस्ट हेड कॉन्स्टेबल आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल के दे रखा है जो कि मैं बता चुका हूँ लेवल 5/4 रहेगा, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल आपका जो सिटीजनशिप वैकेंसी आपका जो कि दे सकते हैं आप दे रखी है डायरेक्ट मेल फीमेल के लिए और डिपार्टमेंटल के लिए यहाँ पे दे रखी है, कैटेगरीज वाइज दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं 122 है, हेड कॉन्स्टेबल की 418 पोस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट मेल आपका डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका यू जो शॉर्ट यूज किया उनके बारे में दे रखा है। ऑल कैंडिडेट मस्ट हैव डू देयर प्रोफेशनल ऑल द टाइम सबमिशन ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन ASI या स्टेनो या SC अमीन या बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल, ठीक है, विल नॉट बी चेंज आपका किसी भी अंडर कंडीशन पे यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं वंस द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस विल बी एज पर द मेरिट, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उसके अनुसार यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। वैकेंसी रिजर्व फॉर LDC जो कि आप देखते हैं जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है विल बी डायरेक्ट कैंडिडेट इन केस सफिशियंट कैंडिडेट विल नॉट अवेलेबल इन द कैटेगरी, ठीक। ओनली वन एप्लीकेशन सबमिट बाय कैंडिडेट। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बात करें आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और हेड कॉन्स्टेबल की, द क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है आपका इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी या उसके बराबर बिफोर क्लोजिंग आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एज लिमिट 18 से 25 जो कि 25/10/2022 तक आपकी काउंट की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26/10/1997 से 25/10/2004 के बीच में होना चाहिए। SC ST है तो 5 साल, OBC को 3 साल रिडक्शन। डिपार्टमेंट कैंडिडेट अप टू 45 ईयर्स आपका SC ST और 40 ईयर जनरल OBC इकोनॉमिक सेक्टर के लिए।
चिल्ड्रन डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर विक्टिम किल्ड, आप 1984 यहाँ पे 5 साल, बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। आपके इजराइल एक्स सर्विसमैन के बारे में दे रखा है, सीआई के बारे में दे रखा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट एस टी 165 मेल और 155 फीमेल। इलेक्शन यहाँ पे रहेगा, इलेक्शन फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग द कैटेगरी गढ़वाल, आपको मायू, आप गोरखा, दोरगा, आप डोगरास, मराठा 162.50 और 150। चेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अन्य देख सकते हैं। चेस्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फॉर द एक्सेप्ट आपका एस टी 77-82 फीमेल नॉट अवेलेबल, शेड्यूल ट्राइब 76-81, ठीक है, फीमेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक। और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट आपका सब इंस्पेक्टर, स्किल टेस्ट आपका डिक्टेशन 10 मिनट में, 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांजिशन आपका टाइम 50 मिनट में इंग्लिश, और यहाँ पे 65 में हिंदी ऑन कंप्यूटर। अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एडमिनिस्टर कॉन्स्टेबल के इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल बॉन्ड बोर्ड एस आपका एसेस देयर द फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, ठीक है। आपका यहाँ पे टैटू रिलेटेड जानकारी आ रही है, ठीक। कंटेंट इज बीइंग सेक्युलर रिलीजियस सेंटीमेंट अवर कंट्री मैन आर द रेस्पेक्टेड देश देश आपका डिस्पाइट रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर नेम इज फॉलोड बाई इंडियन आर्मी इज परमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आई साइट के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर विजन बेटर एन सिक्स वर्स एन नाइन अनकरेक्टेड करेक्टेड विजुअल यहाँ पे बेटर 6x6 और 6x9, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विस कैंडिडेट यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। करेक्टर आपका दे रखा है और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर्मेट सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, ठीक। हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी के बारे में दे रखा है। देखिए आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के हैं, तो इस दिए गए एड्रेस पे आपको आपको नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव सेंटर विद एड्रेस इस दिए गए पे पहुंचाना है, ठीक है। अगर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं तो इस दिए गए आपको एड्रेस पे, जो कि आपका गाजियाबाद का है, स्टेट उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दादर, नगर हवेली, दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के हैं, तो आपको इस दिए गए नवी मुंबई के इस दिए गए एड्रेस पे पहुँचाना है। ईमेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हैं तो इस दिए गए आपको छत्तीसगढ़ के एड्रेस पे, बिहार, झारखंड के हैं तो रांची के झारखंड पे आपको दिए गए एड्रेस पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हैं और पंजाब, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के, तमिलनाडु के दिए गए एड्रेस पे, ठीक है। चेन्नई के, आंध्र प्रदेश के निकोबार, अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के, तो कोलकाता के दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और यहाँ के आपको दे सकते हैं तो इस दिए गए एड्रेस पे। इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रिक्वायर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड यहाँ पे दे फोटोग्राफ, रिसेंट आपका कलर फोटोग्राफ, ठीक है। ड्यूली मेंशन डेट, आपको साइज भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल दे सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी 25/10/2022 5 बजे तक। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगी। एस सी एस टी जो है फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन फीस से एग्जम्प्ट रहेंगे, उनको फीस पे नहीं करना है। आप यहाँ पे पेमेंट को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, किसी यूपीआई, एसबीआई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। फी 100 रुपये विल बी नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी डिटेल। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग डेट, ठीक है। टू अपियर पीएसटी डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्ट वेरियस एड सेंटर, आपका डिटेल स्क्रूटनी फॉर एलिजिबल डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेक एट अ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइट बार टेस्ट, दोस कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल हाइट बार टेस्ट विल बी पुट ऑन थ्रू पीएसटी, जो एचबी आपका जो है एचबीटी पास कर लेते हैं उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। कैंडिडेट वो क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट तो स्क्रीन फॉर आप देख सकते हैं हाइट चेस्ट वेट अबाउट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
जो कि आपका पैरा 5.3 में जो पैरा मैं आपको दिया था, मैंने बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड का चार्ट उसमें से, ठीक है, कैंडिडेट वो डिक्लेयर नॉट क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड में प्रिफेयर एंड अपील ऑन सेम डे इफ दे सो डिजायर, आपका एप्लेट अथॉरिटी नॉर्मलाइज द सेंटर थ्रू द आपका प्रेसिडेंट ऑफिसर, ठीक है, द कैंडिडेट वो मीट द रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डॉक्यूमेंटेशन, द कैंडिडेट वो नॉट डू नॉट फुलफिल द ले डाउन फिजिकल स्टैंडर्ड एलिमिनेट फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं जो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका नेचर बेस पर क्वालिफाई बेस पर रहेगा, दैट कैन वो मीट द रिक्वायरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड अलाउड टू पार्टिसिपेट डॉक्यूमेंटेशन, जो आपका पी एच डी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, पी एच डी विल बी स्क्रूनिक कैंडिडेट वो फेल टू प्रोड्यूस रिक्वेस्टेड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट विल बी एलिमिनेट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो देखिए आपका अपने डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, रिजेक्शन स्लिप विल बी आपका इंटीमेटेड रीजन देयर फॉर आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर प्रोविजनल। यहाँ पे देखते हाई स्कूल आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन प्रूव एज नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्चार्ज क्वालिफिकेशन अंडरटेकिंग एन स्क्वायर 9 और 11 दे रखा है, ठीक है, द कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद दे सकते हैं, द कैंडिडेट पी एच डी डॉक्यूमेंटेशन आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा उमर बेस्ड, यहाँ पे आप देखते हैं आपको 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 120 आपका मिनट का समय दिया जाएगा, द आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड बायोमेट्रिक कैंडिडेट रजिस्टर एट द टाइम ऑफ पी एच डी डॉक्यूमेंट बिफोर रिटन एग्जामिनेशन, ऑल क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिटन एग्जाम कंडक्ट इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में होगा जो कि ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड पर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट थ्रू आपका सी एस वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन पेपर होगा 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर प्लेस मेरिट लिस्ट जो कि अंडरगो स्किल टेस्ट आपका मेंशन 5.4 और 5.5, ठीक है, यहाँ पे आपको दिस टेस्ट विल बी ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर आपका जो है रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट ऑल इंडिया कैटेगरी बाई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ड्रॉन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कैंडिडेट डिक्लेयर फिट अनफिट, ठीक, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर स्किल टेस्ट आपका जो रहेगा यू आर इकोनॉमिक सेक्टर एस सी एस टी एक्स सर्विस में मेल फीमेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर इकोनॉमिक सेक्टर एक्स सर्विस 35 एस सी एस टी के लिए 33 रिटन एग्जामिनेशन का रखा गया है, ठीक है, बाकी आप रिजोल्यूशन टाई के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं इनके दे रखा है और यहाँ पे अन्य जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन के बारे में भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके लिंक की और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी सीआईएसएफ में द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की जिसमें हेड कांस्टेबल और आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली। जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट हमारे चैनल जुड़ने से धन्यवाद।